कैसे असद का एनकाउंटर भाईचारे के खिलाफ हो गया। अब्दुल हफीज गांधी, अमानत जी एक बात कहना चाहूंगा, यदि ये कहा जा रहा है कि दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी को हम एक न्याय प्रक्रिया से गुजारेंगे, तो ये कैसे कैसे आप कह रहे हैं कि जो है सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारे पास कोई कंगारू कोर्ट्स नहीं है, हमारा देश संविधान से चलता है, कानूनी प्रक्रिया से चलता है, सीआरपीसी से चलता है, आईपीसी से चलता है, और कैटन ऑफ लॉज है हमारे पास, अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये फैसला करेंगे। अगर अदालत भी आप बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आप बन जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, कि हर किसी का काम अलग अलग है, जुडिशियरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। वन सेकंड। मैं आपसे सहमत हूं और मुझे लगता है, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मुझे लगता है इस पैनल में या पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक लोग हों जो चाहते हो कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो इस संविधान में कानून में यकीन रखते हैं, वो आपसे सहमत होंगे कि सबको कानूनी प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, यूपी पुलिस का वर्जन आपने सुन लिया? क्या आप एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद थे? क्या अखिलेश जी मौजूद थे जो आप इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं? बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि असद का एनकाउंटर हो सकता है। बहुत सारे लोग पहले से ही बोल रहे थे, कुछ राजनीतिज्ञों ने भी बोला है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब पहले से ही कहा जा रहा है कि ये चीज हो सकती है, तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नोटिस अगर किसी को मिले हैं फेक एनकाउंटर्स पे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी की पूरी स्टोरी की है। अरे भाई आप उठाइए फेक एनकाउंटरों पर सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक, सुनिए अब्दुल हफीज गांधी, मैं कह रहा हूं, जब तक कोई सबूत ना हो कि ये फर्जी एनकाउंटर है, तब तक आप इसे फर्जी कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक बात बताइए, जब पहले से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये होगा, जब पहले से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबको मिट्टी में मिला देंगे, इसका क्या मतलब है? क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये कानूनी भाषा है? एक मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और हम एक सिविलाइज नेशन है, अनसिविलाइज नेशन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा ठीक है, चलिए पॉइंट टेकन। मैंने आपकी बात मान ली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम और शुरू से कहते थे अपराधियों की जगह या तो ऊपर है या जेल के अंदर है। मैंने मान लिया कि वो मिट्टी में मिला देंगे बयान से, आपको शक होता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन ये भाईचारे के खिलाफ कैसे हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। भाईचारे के खिलाफ इसलिए हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री की जो स्वजातीय माफियाज हैं, उनके साथ तो मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनको एमएलसी बनवाते हैं, उनको एमएलए बनवाते हैं, उनके घर कभी बुलडोजर नहीं जाता है। तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो स्वजातीय माफिया है, क्या वो माफिया नहीं है? मैं एक दर्जन बार नाम गिना दूं, ब्रजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, विनीत सिंह क्या है, कुंटू सिंह क्या है, सुशील सिंह क्या है, ये मुझे बताइए कितनी बार बुलडोजर चला। और हम तो बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ है, क्योंकि बुलडोजर पॉलिटिक्स भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसके खिलाफ है। कहां आईपीसी में लिखा है, कहां सीआरपीसी में लिखा है? अब्दुल हफीज गांधी, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की तरह ये आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्म देखकर जानबूझकर फर्जी इनकाउंटर किया गया है उत्तर प्रदेश में? बाबा या योगी जी धर्म देखकर इनकाउंटर करवाते हैं? अब्दुल हफीज गांधी सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल दोहरा दीजिए मानक जी। असदुद्दीन ओवैसी से आप सहमत हैं? क्या ये धर्म देखकर इनकाउंटर किया गया है क्योंकि मुसलमान है असद? देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, चाहे वो एनएचआरसी के नोटिसेस हों या इस तरह की जो बुलडोजर पॉलिटिक्स माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो अबव द लॉ कर रहे हैं, यहां आप ये देखिए कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, इट इज अंडर द लॉ, Nobody is above the law. मैं मान गया आपकी बात, वो आपका पहला पॉइंट था, पॉइंट टेकन अब्दुल हफीज गांधी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। भाईचारे की दुहाई जब अखिलेश यादव देते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान था असद इसलिए उसे फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, ये आरोप है आपका? हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि कोई भी किसी संप्रदाय से आए, कोई भी किसी समाज से आए, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजारा जाना चाहिए। और आज के एनकाउंटर में ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया है। आप ये देखिए जो कारण पुलिस बता रही है कि अतीक को छुड़ा सकते थे, ये क्या संभव है कि जितनी पुलिस सिक्योरिटी में आज अतीक चल रहा है उसे कोई भी दो लोग आके छुड़ा सकते हैं? तो क्या ये शक पैदा नहीं करता पुलिस की कार्रवाई पर? और पहले भी हम देख चुके हैं, पहले भी बिकरू कांड में हम देख चुके हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पहले भी उठे हैं। एक मिनट, और हम हमेशा अब्दुल हफीज गांधी, वन सेकंड, देखिए कहना बड़ा आसान होता है जब इतने दुर्दांत, आप उसे दुर्दांत अपराधी तो मानते हैं ना असद को, या उसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है और इतनी टाइट सिक्योरिटी है,
सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दो व्यक्ति आकर एक एक अपराधी को छुड़ा ले जाते, ये तो आपकी नहीं 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 एक सेकंड, यूपी पुलिस का कहना है कि छुड़वाने की प्लानिंग कर रहे थे, और अगर छुड़वाने की प्लानिंग नहीं भी कर रहे थे तब भी उसके सिर पर 2.5 लाख का या 5 लाख का इनाम तो है ना। आप ये तो मानते हैं, सीसीटीवी फुटेज आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड अब्दुल हफीज मानक जी, मैं सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड की आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, जिसमें बाकायदा असद उमेश पाल पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। या तो आप कह दीजिए कि वो मासूम है, निर्दोष है, या फिर आप सीधे सीधे कह दीजिए हमें बस इस फर्जी इनकाउंटर से दिक्कत है। हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दोषी है, मान के चले कि बिल्कुल दोषी है, तो क्या आप उसे कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे? क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं था? अगर वो कह सकते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे थे, इसका मतलब वो वायलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? क्या कानूनी प्रक्रिया से आप नहीं गुजार सकते थे? एक्टिविटी वो कर चुका, एक मिनट नहीं, डेढ़ महीने से ऊपर हो गया अब्दुल हफीज गांधी, ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए आप। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि वो प्लानिंग, अरे भाई तो वो जो उसने मर्डर किया उमेश पाल का, उस जुर्म पर, उस जुर्म को पानी से धुल गया क्या? वो फरार था, मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया है ना। अगर हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं है, अगर हम बनाना रिपब्लिक हैं, अगर हम कंगारू कोर्ट्स हैं, तो यू शुड गो। आई एग्री विद यू, आपका पॉइंट टेकन, लेकिन मैंने कहा आपको पता है ज्यादातर इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो इस तरह से सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा उमेश पाल, जिसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी थी, इतने हाई प्रोफाइल केस में वो अहम गवाह था, उसका मर्डर अगर कोई कर दे तो वो दुर्दांत अपराधी होता है। अच्छा लीजिए, और सुनिए सुनिए मेरा सवाल, सवाल तो सुनिए, सवाल मेरा ये, आपको पता है इस तरह के कितने अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं? अगर एक अपराधी पट्टी लेकर और कहता है कि मैं योगी जी से डर गया हूं और मुझे पकड़ लीजिए, तो ये महज ड्रामेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे एक अपराधी का एक पट्टी लेकर? नहीं नहीं, यही तो कह रहा हूं, दैट्स माय पॉइंट अब्दुल हफीज गांधी, मेरा पॉइंट यही है। आपको कैसे पता कि ये फर्जी इनकाउंटर, सुनिए, आपको कैसे पता कि ये फर्जी इनकाउंटर है? अगर यूपी पुलिस कह रही है अगर वो सरेंडर करता तो गिरफ्तार कर लेते, और इतने ऐसे ऐसे अपराधी कहां सरेंडर करते हैं भाई? बैठे हैं अभी विभूति नारायण जी, अभी पूछूंगा उनसे। मैंने मानक जी पहले ही कहा कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि अगर आप पूरे एनकाउंटर्स की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन है जहां पर यह कहा गया है कि पैर के नीचे ही गोली क्यों लगती है, हर एनकाउंटर में पैर के नीचे ही गोली क्यों लगती है, ये आप मुझे बता दीजिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स पे सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराई है। ओके, दूसरे प्रदेशों की। अनिला सिंह, ऑल राइट, समझ गया मैं, अनिला सिंह।